स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि एमकॉम फाइनल ईयर का पेपर जो है स्टार्ट हुआ है, आपका एक पेपर हो चुका है जिसमें आज हम सेकंड पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर जिन बच्चों को भी कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ आ रहा है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस कंप्लीट PYQ प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस कोर्स को ज़रूर लीजिए, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहला, अगर हम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट की बात करें, तो बहुत बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है कि एडवर्टाइजिंग की क्या मीनिंग है, क्या उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एडवर्टाइजिंग कॉपी, एजेंसी, अपील, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की मीनिंग की बात करें, कौन कौन से इसके मेज़र ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 20 मार्क्स, 10 मार्क्स और 4 मार्क्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्या कौन कौन से टूल्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के जितने भी टूल्स हैं, टूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, आप इस कोर्स को ले सकते हैं, उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको कवर की गई हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग, एक अच्छा एडवर्टाइजिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, व्हाट इज़, मैंने कहा ना एडवर्टाइजिंग से जितने भी रिलेटेड हो गए, जैसे एडवर्टाइजिंग बजट हो गए, अपील हो गए, एजेंसी हो गए, कॉपी हो गए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टाइजिंग बजट की अगर हम मीनिंग क्या होती है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से इसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग बजट के, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, एसेंशियल, डिस्क्राइब द एसेंशियल ऑफ एफेक्टिव। मैंने बताया है एफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, जो कि मैं पहला क्वेश्चन बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम यहाँ बात करें, नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, एडवर्टाइजिंग एफेक्टिवनेस, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एडवर्टाइजिंग एफेक्टिवनेस क्या है, इसके कौन कौन से वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एफेक्टिवनेस क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि इसके मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके इम्पॉर्टेंस, इसके फंक्शंस, प्लस कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्स ट्रेनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होती है इसकी, इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7, ज़्यादा आपको डीप एंड वाइड में, तो कोर्स को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है डैगमर अप्रोच, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये, इसकी मीनिंग क्या होगी, गोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, कमियां क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है, इसके मीनिंग, इसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग कंपनी, इसमें से अगर आप 50% भी तैयार करते हो तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग क्या है, इसकी क्या मीनिंग होती है, कौन कौन से इसमें स्टेप्स होते हैं टू डेवलप
एडवर्टाइजिंग कंपनी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग, ऑडियंस एनालिसिस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसके मीनिंग कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेल्स फॉरकास्टिंग क्या होता है, 4 मार्क्स में ही पूछ सकता है 10 मार्क्स में। सेल फॉरकास्टिंग इसकी मीनिंग क्या क्या है, इसके टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक, शॉर्ट में पूछ सकते हैं 4 मार्क्स या 10 मार्क्स में, देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग, सेल्स मैनेजमेंट पूछ सकता है। ठीक है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज एडवर्टाइजिंग, फिर क्या है, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, जो कि हम 20 मार्क्स से बता चुके हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव स्पीकिंग, फिर क्या है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्समैन रिपोर्ट, ठीक, लिमिटेशंस क्या होते हैं कंट्रोल सेल ऑपरेशंस के, कंट्रोल सेल्स ऑपरेशंस। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो यही है सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स टर्शरी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल टर्शरीज, डिफरेंट बाइंग मोटिव्स क्या हैं, एक सेल्समैन के क्वालिटीज़ क्या होती, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्समैन। ठीक, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बाइंग मोटिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। सेल्स मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स को कैसे मैनेज, ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें। और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं सेल्स मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, सेल्स प्लानिंग के क्या प्रोसेस हैं, ये क्वेश्चंस, ये सब सारी चीज़ें बहुत पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में क्या क्या चीज़ें, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो मैंने बता दिया है, प्रमोशनल टूल्स क्या क्या होते हैं, सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, इतने क्वेश्चंस आप देख लेना है एनफ। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो बच्चे भी पेपर देने जा रहे हैं। एंड टेलीग्राम लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको PDF नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और जिसको भी कोर्स परचेस करना है वो ज़रूर से इस कोर्स को ले लें, क्योंकि अभी आपके बाकी के 3 या 4 पेपर बाकी हैं। ठीक है, प्राइस जो है आपकी 299 है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं। ओके।